मेरा नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं फेस्टिवल के बारे में। पीटी 365 कल्चर का 2021 है, ये 6th लेक्चर है। ये लाइक से सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। सबसे पहला हमें देखना है ओडिशा का कल्चर या फेस्टिवल जो है, वो है राजा प्रभा फेस्टिवल। एक यूनिक 3 दिन का फेस्टिवल है ओडिशा का, जो सेलिब्रेट होता है ऑनसेट ऑफ मानसून से और जब बिगनिंग ऑफ अर्थ वुमेनहुड है। ये एक रिस्पेक्ट का मार्क है टूवर्ड्स अर्थ ड्यूरिंग हर मेंस्ट्रुएशन डेज। जो जितने भी सारे एग्रीकल्चर वर्क्स हैं, प्लॉइंग, सोइंग और सस्पेंडेड रहते हैं 3 दिन के लिए। सेकंड है नाओकाई जुहार, तो ये भी ओडिशा का ही है। और यहाँ पे एग्रीकल्चर फेस्टिवल होते हैं जो वेलकम करते हैं नया क्रॉप सीजन को, इसको नाकाई प्रभाव भी बोला जाता है। यहाँ पे 3 जगह सेलिब्रेट होता है ओडिशा छत्तीसगढ़ एरियाज में, और इसको नाकाई प्रभाव नाकाई बेट घाट बोला जाता है। नाकाई कॉम्बिनेशन 2 वर्ड्स का है जो सिग्निफाई करता है न्यू राइस को, जो होता है नौ, और नौ मीन्स होता है न्या। यहाँ पे काई का मतलब है ईट, लॉर्ड जगन्नाथ रथ यात्रा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। रथ यात्रा हर साल होती है जहाँ पे लॉर्ड जगन्नाथ का प्रोसेशन होता है। उनके एल्डर ब्रदर जो है बालभद्र और यंगर सिस्टर सुभद्र को टेंपल से ले आके दूसरे टेंपल पे ले जाते हैं, जो कि माना जाता है कि उनकी आंटी का घर है। जगन्नाथ टेंपल बनाया गया था या स्कल्प्ट करा गया था अंतावरम चोड़गंगा, ये एक रूलर था ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी का 11th सेंचुरी में। नेक्स्ट है चैत्र यात्रा, ये एक एनुअल फेस्टिवल है जो ऑर्गेनाइज होता है तारा तिरानी हिल्स श्राइन में, और ये श्राइन लोकेटेड है कुमारी हिल्स में, जो कि पड़ता है ओडिशा के रिवर की बात करूँ तो रिवर रोशिकुला उसके बैंक से पड़ता है। मेजर सेंटर है वो शक्ति वर्शिप का ही है। नेक्स्ट जो है वो है विष्णु संद्रे प्रभा, ये एनुअल हंटिंग फेस्टिवल है जो ट्राइबल पॉपुलेशन जो ओडिशा की, झारखंड की, वेस्ट बंगाल की करती है। फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे कोई भी सिंगल एनिमल नहीं मारा गया झारखंड में विष्णु सिंद्र परवा, तो ये सरप्राइजिंग न्यूज़ है। नेक्स्ट है केरला, बिल्कुल साउथ में त्रिशूर पूरम, ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है केरला का, जहाँ पे जो ट्रेडिशन है वो ये ट्रेडिशन 200 साल से ज़्यादा पुराना है, और ये पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल माना जाता है, और ये सेलिब्रेट होता है मलयालम मंथ ऑफ मिडोन जो अप्रैल से मई के बीच में होता है त्रिशूर में। जो इवेंट है ये स्टार्ट होता है शक्तम तमपुरम जो ईस्ट वाइल्ड रूलर थे कोच्चि के, ये फेस्टिवल रिलेटेड है इवेंट से जो वडा कुमनंतन टेम्पल में होते हैं त्रिशूर में। तुम्बी महोत सावन 2020 का ये इम्पोर्टेंट है, केरला में अगेन होता है, इसको बोला जाता है फर्स्ट एवर स्टेट ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल केरला का। पंतलू एक ऑफिशियल मैस्कॉट है फेस्टिवल का, ये एक पार्ट है नेशनल ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज करा जाता है WWF इंडिया, बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी, इंडियन ड्रैगन फ्लाई सोसाइटी एसोसिएट्स होते हैं, नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, UN एनवायरमेंटल डेवलपमेंट और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, और यहाँ पे IUCN भी तो होता है और CEC। ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल 2018 में स्टार्ट हुआ था, और ये इसलिए हुआ था ताकि वो एजुकेट करे, इन्फॉर्म करे पब्लिक कि ड्रैगन फ्लाई भी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, और यहाँ पे उनकी लेसर नोन सिबलिंग्स है डैम सेल्फीज जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। मलयालम न्यू ईयर ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे फर्स्ट डे जो होता है चिंगम मंथ का मलयालम कैलेंडर में वो कंसिडर करा जाता है न्यू ईयर डे, जिसको पुथु वर्षम बोला जाता है इनके यहाँ। नेक्स्ट जो
पॉइंट है वो है मकरावाई लक्कू। ये फेस्टिवल है जो बिगेन होता है सबरीमाला में, ये हर साल होता है मकर संक्रांति पे, और ये सबरीमाला टेम्पल में होता है जो बहुत न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे जजमेंट जो पास हुई थी केरला में होता है, आप सबको ही पता होगा। यहाँ पे जो फेस्टिवल इंक्लूड कराया जाता है वो तिरुभरनम जो सेक्रेट गॉड है उनके, लॉर्ड अय्यप्पन, उनका प्रोसेशन होता है और कॉन्ग्रेगेशन होता है हिल श्राइन में सबरीमाला के। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है असम से। असम में एक फेस्टिवल बहुत न्यूज़ में है, वो है अंबुबाची मेला। ये एनुअल फेस्टिवल है जो कामाख्या टेम्पल में होता है, जो अटोप नीलचाय हिल्स में होता है गुवाहाटी असम में, और ये रिवर बैंक की बात करूँ तो ब्रह्मपुत्रा पे होता है। देवी कामाख्या जो थी वो वर्शिप कराती है एज अ गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। कामाख्या बहुत मतलब एक शक्ति पीठ है, वन ऑफ द 51 शक्ति पीठ है, और इम्पोर्टेंट श्राइन है हिंदू ट्रेडिशन के लिए, शक्तिज्म के लिए जो स्प्रेड हुआ था इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, चाइना और श्रीलंका। नेक्स्ट जो है वो है गुजरात। गुजरात का एक बहुत न्यूज़ में है अषाढ़नी बीज। ये फेस्टिवल जो है ये दर्शाता है बिगिनिंग ऑफ रेन्स जो कच्छ में होती है। कच्छी पीपल सेलिब्रेट करते हैं न्यू ईयर इस अषाढ़ी बीज पे। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है नागालैंड से। नागालैंड में एक फेस्टिवल बहुत न्यूज़ में है, वो है हॉर्नबिल फेस्टिवल। लार्जेस्ट सेलिब्रेशन होती है इंडिजिनस वॉरियर ट्राइब्स की नागालैंड की, और ये ऑर्गेनाइज होती है एवरी ईयर होती है, और कब होती है, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर होती है। इस फेस्टिवल का एम यही है कि वो रिवाइव करें, प्रोटेक्ट करें रिच कल्चर जो नागालैंड का है, और डिस्प्ले करें एक्स्ट्रा वेजेंस और ट्रेडिशन। ये जो फेस्टिवल है हॉर्नबिल के नाम पे नेम्ड है क्योंकि वो बहुत बड़ी वेनरेटेड बर्ड स्पीशीज है स्टेट में, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि रिफ्लेक्ट करती है ट्राइबल कल्चर और एक्सप्रेशन, सॉन्ग और डांस। अदर की बात कर लेते हैं, अदर्स में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। पहला है संकल्प पर्वा, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर सेलिब्रेट करता है 28 जून से लेके 12 जुलाई 2020। मिनिस्ट्री ऑफ इस मिनिस्ट्री के अंडर बड़े सारे एक्सपर्ट्स होते हैं जो सब ऑर्डिनेट ऑफिसर्स होते हैं, एकेडमीडियंस होते हैं, अटैच इंस्टीट्यूशन होते हैं और अफिलेट इंस्टीट्यूशन होते हैं जो प्लांट करते हैं ट्रीज कैंपस में और सराउंडिंग में। 5 ट्रीज रिकमेंडेड है, बरगाट, आंवला, पीपल, अशोक, बेल। नेक्स्ट जो है वो है धर्म चक्र डे, अषाढ़ पूर्णिमा जिसे बोलते हैं। इंटरनेशनल बुद्धा कॉन्फेडरेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है, और सेलिब्रेट करते हैं अषाढ़ पूर्णिमा जो 4 जुलाई 2020 को हुआ था, जिसको बोलते हैं धर्म चक्र डे। ये डे कॉमेमोरेट करता है बुद्धा का जो फर्स्ट सर्मन था, और उनकी जो 5 एस्थेटिक डिसिप्लिन थे डियर पार्क में जो कि यूपी में है, रशिपतना और प्रेजेंट डे सारनाथ, और सारनाथ आप सबको बताए वाराणसी में, वाराणसी मतलब यूपी। यहाँ पे प्रेजेंट डे की बात, ये जो सेलिब्रेशन होती है बुद्धा की होती है एज अ डे ऑफ धर्मचक्र पर्वता, जिसको टर्निंग ऑफ द व्हील भी रहता है ऑफ धर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी बुद्धिज्म पढ़े होंगे उनको समझ आ गया होगा ये रेफरेंस। ये इस टाइम पे ऑब्जर्व होता है गुरु पूर्णिमा बुद्धिस्ट और हिंदूज दोनों, और ये मार्क करता है रेफरेंस टू द गुरुज कि भाई जो टीचर्स हैं गुरुज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पुरुषन प्रवाह, ये भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जैन रिलीजन का, सेलिब्रेट करते हैं स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, सेल्फ प्यूरिफिकेशन, जैन फास्टिंग ड्यूरिंग पुरुषम, ये चेंज करते हैं, एलिमिनेट करते हैं बैड कर्मा और हेल्प करते हैं कि वो डेवलप करे सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस, फॉरगिवनेस और रेपेटेंस। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020। ये एनुअल फेस्टिवल है जो ऑर्गेनाइज कराया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के द्वारा। ऑब्जेक्टिव सिंपल सिंपल है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन को अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री के साथ मतलब ज्वाइन करो इस चीज़ में, और क्लोजर इंटीग्रेशन करें ताकि नेशनल इंटीग्रेशन बढ़े। इस ईयर का क्या थीम है इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है यूपीएससी के एग्जाम में, ये है द इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशन। ठीक है,
यहाँ पे आप मैप पे देख सकते हो हार्वेस्ट फेस्टिवल इंडिया में, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैप है। और इसके बाद हम नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे, पर इसको हम देख लेते हैं पहले। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। यहाँ पे देखिए आप जम्मू कश्मीर से स्टार्ट कर रहे हैं, शिशुर संक्रांत, ये जम्मू एंड कश्मीर का है। और यहाँ पे हम तब थोड़ा नीचे जाते हैं तो हमें पंजाब मिलता है, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में लोहड़ी है और मेघी है जैसे बोलते हैं। फिर अगर मैं और नीचे जाऊँ वेस्ट की तरफ, और यहाँ पे उत्तरम है जो गुजरात और राजस्थान में, साउथ की तरफ और जाऊँ तो महाराष्ट्र में मकर संक्रांति है या मध्य प्रदेश दोनों में, और साथ में तो यहाँ पे मकरा संक्रामना ये कर्नाटका में, और केरला में मकरा विलक्कू जो केरला में। और मैं तमिलनाडु की तरफ जा रहा हूँ तो यहाँ पे पोंगल होता है, और यहाँ पे ऊपर जाऊँ आंध्र प्रदेश के तो यहाँ पे पेड़ा पांडुया, ठीक है। ईस्ट की तरफ जाऊँ थोड़ा तो यहाँ पे ओडिशा में मकर संक्रांति होती है। मकर संक्रांति आप देखो तीन जगह कॉमन है, ओडिशा महाराष्ट्र और एमपी, ठीक है। और वेस्ट बंगाल की तरफ जाऊँ तो पौष संक्रांति, ठीक है। उससे ऊपर जाऊँ तो बिहार और झारखंड में मकर संक्रांत होता है, और उत्तर प्रदेश में किचेरी होती है, और नॉर्थ ईस्ट में असम और बड़े सारे नॉर्थ ईस्ट में माघ बिहू होता है। तो ये कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल थे और हमने आज फेस्टिवल कवर कर लिया है, तो इसको आप देख लो ना, पढ़ते रहना। और नेक्स्ट लेक्चर में हम 7 से स्टार्ट कर देंगे एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तब तक के लिए बाय।